कहाँ तक कल हो गया था जी? विद्युत ऋणात्मकता लिखवा दिए थे। तो अब तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की है। याद रखे रहना, ये सवाल बनता बहुविकल्पी सवाल। जो 5 बहुविकल्पी आएंगे उसमें से 1 तो बन सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से बनाना ही है, तो बन सकता है इसमें से सवाल। वैसे इतना आसान सवाल नहीं बनने वाला, सबको पता होता कि सब रटे रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, चर्चा बाद में करेंगे इसकी, देखेंगे तब पढ़ेंगे बताएंगे तब। देखो हाँ, तो विद्युत ऋणात्मकता हो गया था ना, ऑक्सीकरण अवस्था भी बता दिए हैं। चलो अभी आ जाओ इधर, बंद ऊर्जा। लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखना, हैलोजन परिवार के तत्वों के ऑक्साइड, हैलोजन परिवार के तत्वों के ऑक्साइड और उनके ऑक्सीअम्ल, हैलोजन परिवार के तत्वों के ऑक्साइड और उनके ऑक्सीअम्ल हैलोजन परिवार के तत्वों के ऑक्साइड और उनके ऑक्सीअम्ल हो गया। तो अब देखो, ऑक्साइड में हमने पढ़ा किसी तत्व की ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया से जो यौगिक बनता है उसे ही ऑक्साइड कहते हैं। अभी तमाम ऑक्साइड पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, सब जगह ऑक्साइड पढ़ के आ रहे हैं। तो वैसे ही यहां भी है ये, तो इनके भी ऑक्साइड बनने चाहिए ऑक्सीजन से क्रिया के द्वारा, बनने चाहिए। लेकिन ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं, सीधे सीधे ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लोरीन गैस है, ले आए उसके पास ऑक्सीजन पकड़ के उसके बाद कहे तुम अपना ऑक्साइड बना लो, ऐसा नहीं होगा। मतलब इनका जो ऑक्साइड बनता है सीधा सीधा इनकी क्रिया से नहीं बनता है। हाँ, इनसे संयुक्त तो कोई यौगिक लिया जाए उसकी क्रिया होगा, तब बीच में इनका ऑक्साइड बन सकता है। ठीक है, याद रखे रहना। तो जो हैलोजनों के ऑक्साइड होते हैं क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं होता है। समझ गए, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर जोड़ के बनाया भी जाए तो सीधे सीधे नहीं जुड़ के बनते। अगर इनका कोई यौगिक लिया जाए, उसकी क्रिया करा दी जाए, तब उनकी क्रिया के द्वारा इनका ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ऑक्सीजन और क्लोरीन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, बताए थे F2O या OF2 ऑक्सीजन वाले में। यही एक जगह पे हमने कहा था ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। ऑक्सीजन आज तक एक ही जगह पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो भी कहां पे, OF2 में। क्योंकि क्लोरीन को छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ही है, तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ऑक्सीजन को धनावेश बना सके क्लोरीन को छोड़कर। समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। लिखो, ऐसे ही सबके बनेंगे, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं। जैसा अभी हमने कल पढ़ाया था, 1 भी बनाते, 3 भी बनाते, 5 भी बनाते, 7 भी बनाते हैं, तो इनके उसी प्रकार से ऑक्साइड भी बन जाते हैं बहुत सारे। अब कौन कौन से बनते हैं इसको देखते चलो। लिखो, क्योंकि हैलोजन तथा ऑक्सीजन, क्योंकि हैलोजन तथा ऑक्सीजन सीधे आपस में क्रिया नहीं करते हैं, सीधे आपस में क्रिया नहीं करते हैं, सीधे आपस में क्रिया नहीं करते हैं। हो गया, आगे लिखो, इनके यौगिकों की
आपस में क्रिया से इनके यौगिकों की आपस में क्रिया से इनके विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं। आपस में क्रिया से इनके विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं। हो गया ना? चलो देखो, जैसे जैसे फ्लोरीन का ऑक्साइड फ्लोरीन यफ, जैसे फ्लोरीन का ऑक्साइड हो गया, डैश दे के लिख देना ओ एफ टू तथा ओ टू एफ टू, ये तो बहुत कम मिलता है, कुछ ज्यादा ही अस्थायी होता है। हो गया ना? दूसरा नंबर लिखो क्लोरीन की ऑक्साइड, क्लोरीन सीएल के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड। अब क्लोरीन के देखो कौन कौन से मिलते हैं, सीएलओ मिलता है नहीं मिलता, सीएल टू ओ मिलता है, सीएल टू ओ, उसके बाद सीएल ओ टू मिलता है, सीएल टू ओ थ्री मिलता है, सीएल टू ओ फाइव मिलता है, सीएल टू ओ सेवन मिलता है। नोट कर लो, ये इसका थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, ध्यान दिए रहना, नोट करो। आजो पीछे होगी, देखो नहीं ले गई होंगी, समझे? हो गया जी। क्लोरीन वाले में पांच बनते हैं, तीन तुम्हारे इनकी संयोजकता के अनुसार है जिनका अध्ययन कल हमने किया था। इसमें क्लोरीन का प्लस एक होता है, इसमें क्लोरीन का प्लस तीन होता है, इसमें क्लोरीन का प्लस पांच होता है, इसमें क्लोरीन का प्लस सात होता है। तो इतना तो हमने पढ़ा था, यही एक अलग टाइप का बनाता है जिसमें क्लोरीन का कितना होता है, प्लस चार होता है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। आगे लिखो, कहां तक लिखे, हो गया पूरा? तीसरा नंबर लिखो ब्रोमीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड, हो गया ना? इसका और कुछ अलग टाइप का बन रहा है, एक Br2O बन रहा है और एक BrO2 बन रहा है और एक BrO3 बन रहा है। नाम जानते रहो, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बनाता, पता नहीं कैसे बना रहा है। प्लस छह होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या और इसमें प्लस चार होता है। अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अपना कैसे बनाते हैं उनका कोई निर्धारित नहीं होता है। हो गया? अगला लिखो, आयोडीन के ऑक्साइड, आयोडीन के ऑक्साइड, हो गया आयोडीन के ऑक्साइड। अब आयोडीन में देखो कैसे बनाता है, एक I2O4 बनाता है, एक I2O5 बनाता है, एक I2O7 बनाता है, तीन प्रकार का ये बनाता है।
किसमें किसमें ये वाला होता है सबसे अस्थाई I2O5, यही हमने देखा हमारी अभिक्रियाओं में बनता भी था, जहां पे हमने यह चाहिए उसी बनाया है I2O5 ही बना हुआ है। हो गया, तो ये प्रकार से सबके ऑक्साइड हो गए। नीचे लिखो हैलोजनों के सभी ऑक्साइड सह संयोजी, हैलोजनों के सभी ऑक्साइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, हैलोजनों के सभी ऑक्साइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, हो गया। आगे लिखो, जब इन ऑक्साइडों की क्रिया जल से कराते हैं तो हो गया, इनके संगत ऑक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। इन ऑक्साइडों की क्रिया जल से कराते हैं तो इनके संगत ऑक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं, इनके संगत ऑक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे 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 क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल निम्न प्रकार हैं, जैसे क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल निम्न प्रकार हैं, हो गया। तो अब देखो क्लोरीन के ये पांच ऑक्साइड है ना, इन सब की क्रिया जल से करा दी जाए तो संगत ऑक्सी अम्ल बनेगा इनका, ध्यान से देखना। पहले है Cl2O, इसकी क्रिया जल से कराना है। फिर है Cl2O, इसकी क्रिया भी जल से कराना है। फिर है Cl2O3, इसकी क्रिया भी जल से कराना है। फिर था Cl2O5, इसकी क्रिया भी जल से कराना है। फिर था Cl2O7, इसकी क्रिया भी जल से कराना है, हो गया। तो अब देखो जब Cl2O जल से क्रिया करता है तो चूंकि इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, Cl2O है ना, तो Cl का नहीं पता है तो यक्त मान लो, और Cl की संख्या कितनी है 202 का गुणा कर दो, ऑक्सीजन का कितना जानते हो, -2 हमेशा, और बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x और -2 उधर जाके +2, तो x बराबर +2/2, मतलब 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया +1 आ गया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +1, ऐसे ही सबका निकाल सकते हो। इसमें कितना होगा Cl का x मानोगे, ऑक्सीजन का -2, तो -2 -2 -4 होगा, उधर जाएगा तो +4, इसका +4 है, यहाँ पे 3 × −6 होगा, होगा ना, तो 2 से भाग दिया जाएगा उसमें तो +3 हो जाएगा, इसमें 5 × 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें 7 × 14, 14 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ऐसे ही इनका ऑक्सी अम्ल भी बनेगा। एक ऑक्सी अम्ल बनेगा जिसमें +1 होगा, एक बनेगा जिसमें +3 होगा, एक बनेगा जिसमें +5 होगा, एक बनेगा जिसमें +7 होगा,
अब सोचने वाली बात है, प्लस चार वाला तो हमने नहीं लिखा, दिखाई दे रहा है ना, फिर भी यहाँ पे प्लस चार वाला ऑक्साइड है, तो उसका अम्ल कैसे बनेगा? उसका जो अम्ल बनता है इन दोनों का मिश्रण बनता है, उसका जो अम्ल बनता है इन दोनों का मिश्रण बनता है। पांच और तीन कितना होता है? आठ। आठ में दो से भाग देंगे तो कितना आएगा? चार आएगा, इसीलिए इसका चार है, ठीक है ना। तो देखो कैसे हुआ, अब इसमें बनता है तो कैसे बनता है। पहला वाला बनता है HClO, HClO। अब इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस दो और हाइड्रोजन का कितना होगा प्लस एक, और इसका क्या मानोगे यक्ष, और बराबर क्या मानोगे जीरो। तो दो माइनस दो में से एक घटेगा, कितना बचेगा माइनस एक, यक्ष उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस एक। देखो दिख रहा है ना, यही प्लस एक वाला है जो पहला है, दिख रहा है। इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस अम्ल, अभी नाम बता रहे हैं कैसे पड़ा हुआ है इनका, हो गया। उसके बाद देखो ये जो बनाएगा ये दोनों का मिश्रण बनाएगा, तीन वाले का और पांच वाले का, ठीक है ना। तो अब तीन कैसे होगा, देखो यहाँ पे माइनस दो था और यक्ष था और प्लस एक था, दिख रहा है ना। माइनस दो में से एक को घट गया तो माइनस एक बचा, और जो उधर जाके क्या बन गया प्लस एक बन गया। अगर तीन बनाना है तो दो बढ़ाना पड़ेगा हमें ना, बढ़ाना होगा। और दो का दो किससे बढ़ने वाला है, ऑक्सीजन से कि हाइड्रोजन से? ऑक्सीजन से बढ़ने वाला है ना, इसलिए एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, अर्थात क्या कर दो HClO2। और इसी के साथ पांच वाला भी बनेगा, क्योंकि चार पे ले आना है इसको, हमको कितने पे आना है चार पे। अभी ये तीन वाला है, एक इसके साथ पांच वाला भी बना दो, क्या HClO3। अब तीन और पांच मिल के आठ होगा, आठ में दो से भाग देंगे कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, इसके ऑक्साइड की तरफ हो जाएगा। इसके बाद ये वाले का हमने देखा तीन होता है ना, तो इसका तो तीन वाला ही केवल बन जाएगा, कौन सा HClO2। इसका पांच होता है ना, तो इसका केवल पांच वाला बन जाएगा जो ये वाला है HClO3। और इसका सात वाला है ना, तो इसका सात वाला बन जाएगा, मतलब एक और बढ़ जाएगा HClO4, हो गया ना। ये प्रकार से इसके अम्ल बनते हैं, ऑक्साइड पांच है लेकिन अम्ल कितने बनते हैं चार बनते हैं, क्योंकि इनमें जो एक ऑक्साइड प्लस चार ऑक्सीकरण संख्या वाला है वो प्लस तीन और प्लस पांच वाले ऑक्सी अम्लों का मिश्रण बनाता है, समझे, ध्यान देना। इसलिए ऑक्सी अम्ल हमको कितने मिलते हैं इसके, चार ही मिलते हैं। अब इनका नाम किस प्रकार से है, देखो किसी की ऑक्सीकरण संख्या में परेशानी की निकल जाएगा सबका, इसमें कितना निकलेगा देखो, इसका प्लस एक मानेंगे क्लोरीन का यक्ष, और ऑक्सीजन माइनस दो है तो कितना हो जाएगा माइनस एक, घटेगा तो कितना होगा जी आठ में से सात बचेगा बराबर जीरो, तो यक्ष बराबर प्लस सात, दिख रहा है। वैसे ही सबका निकाल सकते हो। अब इनका नाम कैसे पड़ा, हम ऑक्सी अम्लों के नाम में पढ़े थे, अगर कोई दो ऑक्सी अम्ल बनाता है तो एक में अस लगाते हैं एक में ईक लगाते हैं, पढ़े थे ना, जब कोई दो ऑक्सी अम्ल बनाता है तो एक में अस लगाते हैं और एक में ईक लगाते हैं। ईक किस में लगाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होती है। अस किस में लगाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। जैसा एग्जाम्पल हमने पीछे अभी पढ़ा है H2SO3 और H2SO4, पिछले अभ्यास में तुरंत पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। इसको हमने बोला था सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस, और इसको हमने बोला था सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब इसमें अस लगा था और इसमें क्या लगा था ईक लगा था। तो अब यहाँ पर तो और बला बढ़ गई है, चार ठो बन गया, दो ही था तो ठीक था, एक में अस लगा दिए एक में ईक लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर परेशानी बढ़ गई, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान दो बीच वाले दो को पकड़ लो, चार ऑक्सी अम्ल बने रहे इनके, कौन कौन सा HClO, फिर HClO2 और फिर HClO3 और फिर HClO4। नाम अगर इनका लिखना है तो पहले बीच वाले दो को पकड़ लो, हो गया। अब इसमें जिसका ज्यादा है उसमें एक लगा दो, जिसका कम है उसमें अस लगा दो, ठीक है। तो इसका कम है ना, इसलिए इसके नाम में लगा दो क्लोरीन से बना हुआ है ना, तो क्या हो गया क्लोरस अम्ल, और ये हो गया क्लोरिक अम्ल, क्या हो गया जी क्लोरिक अम्ल। अब इससे भी ज्यादा अगर हो गया तो उसके नाम के पहले पर लग जाता है, मतलब उड़ जाता है, पर लग गया तो उड़ जाएगा ना, नहीं कहते पर काट देंगे तुम्हारा, तो पर क्लोरिक अम्ल हो गया। और जब इससे भी कम आ जाता है तो इसके पहले हाइपो लगा देते हैं,
क्या लगा देते हैं, हाइपो। ये प्रकार से इसका नाम हो जाता। अब ये जरूरी नहीं कि क्लोरीन वाले के साथ ही लगे, किसी के साथ भी लग सकता है ये, ठीक है ना। जितने प्रकार का अम्ल बनाया, अगर चार प्रकार का बनाया तो बीच का दो पकड़ लो, एक में इक लगाओ, एक में अस लगाओ, और जो सबसे ज्यादा वाला है उसमें क्या लगा दो, पर लगा दो, और जो उससे भी कम वाला है उसमें क्या लगा दो, हाइपो लगा दो। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा एक लाल दवा का नाम क्या पढ़े हो, नाम क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़े हो कि नहीं, पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट कुछ खास नहीं होता है, सूत्र क्या होता है कि MnO4, यही होता है ना। अब जब बनाओगे तो K प्लस बनेगा और MnO4 पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, यही K प्लस हटा के इसकी जगह यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, तो H जोड़ दे तो HMnO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे ये बना हुआ है, दिख रहा है। तो इसका नाम है पर क्लोरिक अम्ल, तो ये मैग्नीज से बना ना, तो इसको बोलते हैं पर मैग्निक अम्ल। क्या बोलते हैं, पर मैग्निक अम्ल। और जब इसका रिडायन बनाते हैं तो पर मैग्नेट लग जाता है, मैग्नेट हो गया ना, ये ध्यान देना। तो ये प्रकार से बनता है ये सब। मैग्नीज भी ऐसा बनाता है, क्योंकि मैग्नीज का भी एक ऑक्साइड बनता है Mn2O7, जैसे Cl2O7 बना हुआ है ना, वैसे Mn2O7 बनता है। तो Cl2O7 देखो, HClO4 बनाया तो Mn2O7 क्या बनाया, HMnO4 बनाया। इसके नाम में पर लगा तो उसके नाम में भी पर लगेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान देना। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है पर लगाते हैं, सबसे कम होती है हाइपो लगाते हैं, बीच वाले दो के लिए अस और इक लगाते हैं, जो हमारा सामान्य तरीका है। तो ये प्रकार के इनका नाम लिखते हैं। तो अभिक्रिया लिख लो और सबका नाम भी लिख लो। दूसरे वाले में क्या लिखोगे, इसका उसमें दोनों मिलके बना हुआ, दोनों लिख दो, उसमें नाम ही लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही दोनों तो बना हुआ है फिर से, तो इन्हीं चार का नाम लिखो, उसका तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है को उसको ये क्लोरस क्लोरिक अम्ल लिखेंगे, दोनों अलग अलग बना, दोनों नाम अलग अलग लिख दो। हो गया, अब लिखो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखना। इसी प्रकार ब्रोमीन 3-ऑक्सीअम्ल, इसी प्रकार ब्रोमीन के 3-ऑक्सीअम्ल, ब्रोमीन के 3-ऑक्सीअम्ल, नाम लिख लो तीनों का, HBrO3 और HBrO4, ये 2 वाला नहीं बनाता है, इंपॉर्टेंट इसमें क्लोरीन का ही है, बाकी इन सबका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, याद रखे रहना। नीचे लिखो, क्या लिखे, हो गया ना, होते हैं जबकि आयोडीन के तीन ऑक्सीअम्ल हो गया, 3-ऑक्सीअम्ल HIO, फिर HIO3 और HIO4 और HIO4 होते हैं। तो क्लोरीन ही एक ऐसा है जो चारों प्रकार का बना रहा है, बाकी ये तीन प्रकार का बनाते हैं, और इन तीन प्रकार में भी इनका एक ही ज्यादा अस्थायी होता है, कौन सा वाला, ये 3 वाला, ठीक है, याद रखे रहना। इसका ये तो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, जल्दी बनता ही नहीं है। आयोडीन का भी 4 वाला अस्थायी नहीं होता है, आयोडीन का भी वही 3 वाला अस्थायी होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें अस्थायी रूप से यही बनाता है क्लोरीन का, इसीलिए महत्ता इसी की है ज्यादा,
बाकी की मात्रा नहीं है। यह प्रकार से तुम्हारे ऑक्साइड खत्म हो गए। अब अगर ये क्लोरीन, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इतनी अधिक है कि वो उसका ऑक्साइड ही अस्थाई नहीं बनता है, तो बेचारे का अम्ल कहां से अस्थाई होगा? जब वो अस्थाई ऑक्साइड ही नहीं बनाया तो अस्थाई अम्ल भी नहीं बना पाता है। अभी तक हाल ही में उसका एक ही ऑक्सी अम्ल खोजा गया, HOF। HOF ये भी इतना ज्यादा अस्थाई है कि बनाते ही अपघटित हो जाता है, बनता ही नहीं, इसीलिए इसके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता। आगे लिखेंगे, अब देखो ये जो ऑक्सी अम्ल है इनमें किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी? अगर ये सवाल पूछ लिया गया तब क्या करेंगे? किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी? तो ऑक्सीजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। जैसे क्लोरीन वाले में देखो चार ठो बना रहा है ना, तो किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी? HClO4 की सबसे ज्यादा होगी, HClO की सबसे कम होगी, हो गया। और अगर मान लो तीनों अलग अलग ले लिया जाए, ये चारों लिए तो ठीक था, लेकिन अगर हमने कह दिया HClO3 ले लो, HBrO3 ले लो और HiO3 ले लो, तब कौन ज्यादा प्रबल होगा? HClO3 और HBrO3 इससे कम, HiO3 सबसे कम, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर अम्लीय प्रबलता क्या होती जाती है? घटती जाती है, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और धातुएं क्या बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं? क्षार बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्षार कब बनेगा? जब अम्ल का गुण घटेगा तभी तो क्षार बनने की संभावना होगी, तो अम्लीय गुण घटता जाता है वर्ग में नीचे जाने पर। और अगर एक ही तत्व की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा बढ़ाओगे हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा हो, और जब हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी अम्ल उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा, ठीक है ना। अब लिखते हैं इसमें नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट, किसी एक ही तत्व के, इम्पोर्टेंट है ये, क्रम पूछा जा सकता है, किसी एक ही तत्व के ऑक्सी अम्लों में, किसी एक ही तत्व के ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने के साथ हो गया H+ आयन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, हो गया, इसलिए अम्लीय प्रबलता भी बढ़ती है, हो गया। तो किसी एक ही तत्व की बात करनी है यहाँ पे, अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम, तो सबसे ज्यादा अस्थाई क्लोरीन ही बनाता है और सब बना रहा है ये, इसलिए इसी की चर्चा कर लो। HClO4 इससे कम होगा HClO3 का, उससे कम होगा HClO2 का, और सबसे कम किसका होगा? HClO का, हो गया ना। ये प्रकार से तुमको चार दे देगा और बोल देगा चारों को अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करो, व्यवस्थित कर लेना तुम्हें, नोट कर लो। ये हमने घटता क्रम लिखा, अभी बढ़ता क्रम पूछता तो उल्टा कर देते इसको, हो जाएगा, नोट कर लो। अब लिखो नीचे, वर्ग में नीचे जाने पर, एक इंडिकेट पॉइंट फिर, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर ऑक्सी अम्लों की अम्लीय प्रबलता, वर्ग में नीचे जाने पर
ऑक्सी अम्लों की अम्ली प्रबलता, ऑक्सी अम्लों की अम्ली प्रबलता हो गया घटती जाती है, ऑक्सी अम्लों की अम्ली प्रबलता घटती जाती है हो गया ना। अब देखो ये लिख लो HClO3 HBrO3 और HIO3। देखो यहाँ पे तीन के साथ चार वाले की तुलना मत करने लगना, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए तभी तो तुलना हो सकती है। अगर समानता नहीं है तो तुलना कैसे होगी? ऐसा थोड़ी ना कि इसको वो वाला ले ले और इसको तीन वाला ले ले, इसको तीन वाला ले ले और कहें कि ये अधिक क्रियाशील, ऐसा नहीं कर सकते हो। समान लेना है, तीन वाला लेना है सबका तीन वाला लेना है, अगर इसका एक वाला लिए सबका एक वाला लेना है, इसका चार वाला लिए सबका चार वाला लेना है, ठीक है ना। ये ध्यान दिए रहना, नोट करो। हो गया ना। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें ये चार वाला सबसे प्रबल क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो अभी हमने कल जब संरचना पढ़ी थी इसकी, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसकी संरचना बनाए थे, सात बंध बनाए थे ना, इसका बनाए थे। अब होगा क्या, इसमें हमने बताया था किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा, ऑक्सीजन पर धनावेश आएगा और उसका ऋणावेश आएगा। अब पूरा धनावेश ऋणावेश तो आता नहीं है, यहाँ देखो होता क्या है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए यह साधे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, समझ गए? तो इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा और इस पर कैसा धनावेश आ जाएगा जी, आंशिक धनावेश आ जाएगा। इस बंध में भी यही होगा, ये भी खींचेगा, इस पर कैसा आवेश आएगा, आंशिक ऋणावेश, और उसके बाद इस पर कैसा आएगा, आंशिक ऋणावेश, और सब जगह से इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश आएगा। लेकिन ये वाले ऑक्सीजन की बात करो तो ये ऑक्सीजन इस क्लोरीन से भी जुड़ा है और इस हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, जुड़ा है। अब सोचने वाली बात है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ध्यान में रखे रहना। इसकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग 3.5 के आसपास होती है, इसकी 2.1 होती है और इसकी 3 होती है। अब बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, बताओ ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है, हाइड्रोजन से ज्यादा खींच सकता है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन खींचना तो चाहता है क्लोरीन से, समझ गए? यहाँ पर भी साझे के दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी साझे के दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तनिक एक बात ध्यान दो, यहाँ पर इन तीनों के इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण क्लोरीन पर कैसा आवेश आ गया है, धनावेश आ गया ना। और जब धनावेश आ गया तो क्या वो ऋणावेश को अपने से दूर भेजेगा कि अपनी ओर खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल काम करता है। क्या काम करता है जी? आकर्षण बल काम करता है। तो अब क्या होता है, ये वाला क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता, कहता है तीन लोग तो बहुत जोर लगा खींच ले, चौथे को तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारे ले जाने से हमको कुछ फायदा हुआ, हमको धनावेश मिल गया, और धनावेश मिलने से अब हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल से खींच सकते हैं, क्योंकि जब धनावेश आ जाता है तो धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, ध्यान देना। तो अब कहता है हम इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल से खींचेंगे, तो ये ऑक्सीजन कहता है इनसे लेना तो परेशानी वाला काम है, क्योंकि बेचारा एक तो ज्यादा अंतर वैसे ही नहीं था, ज्यादा तो वैसे नहीं खींच पा रहे थे, जोर लगा खींच रहे थे, और दूसरे भी अपना धनावेश भी और ले आ लिए और खींचने लगे, तो कहता है तुम जाओ लेके, हमसे मतलब नहीं है, हम इधर से मिलने वाला है कि नहीं, हमको तुम नहीं दोगे हम इनसे खींच लेंगे, समझ गए? तो अब इससे खींचना शुरू कर देता है। तो अब बताओ इधर जितना ज्यादा धनावेश आएगा, आएगा ना, वो उतना ही ज्यादा इसको खींचेगा, खींचेगा,
तो जब इसका भागेगा तो ऑक्सीजन उतना ज्यादा इससे खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा इस पर आंशिक धनावेश उतना ही अधिक आता जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब अधिक आएगा तो जैसे ही थोड़ा सा इसको बल मिला तुरंत ही ये निकल के इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये टूट जाएगा। आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, एच प्लस मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अभी मान लो एक ऑक्सीजन कम कर देते, जैसे तीन वाला दिख रहा है, एक ऑक्सीजन कम करते तो एक आंशिक धनावेश भी कम होता ना, होता कि नहीं होता। तब क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, नहीं। जब कम खींचेगा तो ये भी इसको कम खींचेगा, खींचेगा ना, और जब ये इसको कम खींचेगा तो क्या एच प्लस जल्दी से बनेगा, नहीं बनेगा। एक और कम कर दिए, एक धनावेश और कम हो जाता है, दिखाई दे रहा है, तो और कम खींचेगा तो और देर से बनेगा, एक और कम कर दिए तो और कम बनेगा, होगा कि नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम करते जा रहे हैं क्लोरीन पर आने वाले आंशिक धनावेश की मात्रा घटती जा रही है, घटती जा रही है ना, और वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने में असमर्थ होने लगता है। और जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा, खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा। इसलिए एच प्लस आयन बनने में परेशानी होने लगती है, और एच प्लस आयन जितना देर से बनेगा ना अम्ल उतना ही दुर्बल कहलाएगा। अम्ल प्रबल कब कहलाएगा, जितना जल्दी से वो एच प्लस आयन देगा। तो सबसे जल्दी से कौन सा देगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जुड़े होने के कारण सबसे ज्यादा आंशिक धनावेश वही आएगा, और आंशिक धनावेश आने के कारण इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और जब ज्यादा खींच लिया तो हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है वो, और जब हाइड्रोजन का खींच के ले जाएगा तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, और जितना जल्दी धनावेश आएगा उतना ही जल्दी हाइड्रोजन आयन हमको मिलेगा, और जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन मिलेगा हम लोग उतना ही क्या कहलाएगा, प्रबल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इनकी प्रबलता का कोई खास क्रम नहीं है, बस यही है, यही इनका था, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर आंशिक धनावेश अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचता है, समझ गए, ये ध्यान देना आपको, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेडिंग अंतर हैलोजन यौगिक, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मान के चलो इस पर एक नंबर का सवाल या दो नंबर का सवाल फिक्स होता है, सीधा सीधा पूछेगा अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए, और अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की दो रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी अंतर हैलोजन यौगिक तुम बना दो सीधा सीधा, अगर किसी भी अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की बात करता है, नाम क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, अंतर मतलब अंदर ही, हैलोजन तो हैलोजन के अंदर ही जो क्रिया होती है उससे बनते हैं अंतर हैलोजन यौगिक, जैसे क्लोरीन की क्रिया क्लोरीन से करा दो, क्लोरीन की क्रिया आयोडीन से करा दो, क्लोरीन की क्रिया आयोडीन से कहिए ब्रोमीन से करा दो, करा दिए, क्लोरीन की क्रिया आयोडीन से करा दो, करा दो, इन सबसे अंतर हैलोजन यौगिक बन जाएगा, और कुछ खास होता भी नहीं है इनमें, सीधा सीधा इनकी क्रिया से यौगिक बनता है। जैसे क्लोरीन की क्रिया आयोडीन से कराए तो इसका यौगिक याद रखे रहो, कौन कौन सा बनाता है सूत्र लिख दो, उसके बाद ICl3 बनाना है लिख दो, Cl2 प्लस I2 ICl5 बनाना है लिख दो, बस हो गया, खत्म हुआ। तो कुछ कठिन है, कुछ नहीं करना है, अगर तुमको अंतर हाइड्रोजन यौगिक बनाने की दो विधि देता है तो जो सूत्र दिया, मान लो उसने कहा ICl3 बनाने की रासायनिक समीकरण लिखो, तो किसकी किसकी क्रिया करानी है, आयोडीन की और क्लोरीन की, मतलब I2 और प्लस क्या Cl2, तीर के बाद लिख दो ICl3, कुछ मन कर रहा है तो तीर के ऊपर डेल्टा लगा दो, हो गया, गर्म करने पे बनता है, बस संतुलित कर दो, काम खत्म हो गया ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, हैलोजनों की आपस में क्रिया से बनने वाले यौगिक क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक, और ये आपस में सीधी क्रिया से बन जाते हैं, मतलब जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा कि ऑक्साइड सीधी क्रिया से नहीं बनता है, उनके यौगिक की क्रिया कराते तब ऑक्साइड बनता है, लेकिन इनका कुछ नहीं है, सीधा सीधा इनकी क्रिया कराओ, जैसे F2Cl2 की क्रिया कराए तो अगर इसका बनता होगा तो बन जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है, इसका बनता होगा तो बन जाएगा, इसका बनता होगा तो बन जाएगा, बनेगा, बन रहा है तभी बनाना, ये नहीं कि क्लोरीन और क्लोरीन का शायद नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए दोनों आपस में क्रिया करके बनाते नहीं, और बनाएंगे भी तो बहुत कम अस्थाई होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अस्थाई कौन सा होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर सबसे ज्यादा है,
क्यों जी? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर है और आयोडीन सबसे नीचे है ना। क्लोरीन तो जस्ट इसके पास ही है, तो बना लेगा क्या? बना लेगा? नहीं बना पाएगा। ब्रोमीन बना सकता है इससे, ठीक है। आयोडीन तो और आसानी से बनाएगा, जो जितनी दूर रहेगा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उतना ही अधिक होगा और यौगिक उतना ही आसानी से बनेगा, समझ गए? तो ये प्रकार से बनते हैं, कल इनको देख लेंगे, बाकी चीज कल शुरू करेंगे।